सर नमस्कार, मैं अंजलि वर्मा, आप सभी लोगों का अपने शानदार हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर जैसे कि बात हेल्थ की आती है, हर व्यक्ति के मन में डाउट आता है कि कहीं सामने वाला बैठा व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं है। सर सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि बीमारियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली बीमारी होती है डिजीज, जिस पे सिर्फ डॉक्टर ही काम कर सकता है, जैसे कि किसी को ऑपरेशन करना है, इंजेक्शन देना है, या फिर टेबलेट्स देना है, या किसी का सर्जरी करना है। सर हम और आप इन चीज़ों के बारे में बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हमें कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, और क्या हम ऐसा करें कि हम बीमार ही ना पड़ें। तो हमारा काम होता है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का, और इसके लिए हमें किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। सर जैसे कि आप जानते हैं कि जब बचपन में हम लोग गिरते थे तो चोट लग जाती थी, तो हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा उस चोट की जगह पे हल्दी का लेप लगा देते थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हल्दी दर्द को खींच लेती है, जबकि हमारे मम्मी पापा कोई डॉक्टर नहीं हैं। जब भी हम बाहर से आते हैं धूप से, तो हमारे घर में हमारे मम्मी, हमारी दादी लोग बोलती हैं कि धूप से आने के बाद फ्रिज का पानी नहीं पीना है, आपको नहाना नहीं है। क्यों? क्योंकि धूप से आने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, अगर उसकी जगह पे हम नहाते हैं या फिर फ्रिज का पानी पीते हैं तो हमें जुकाम हो जाएगा। ये सारी जानकारी हमारे घर वाले ऑलरेडी देते हैं। सर ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो हमारे घर वाले हमेशा हमें बताते रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वो डॉक्टर हैं, वो सिर्फ लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा काम भी यही होता है, लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को जागरूक करने का। हमारा काम है लोगों को बताना कि आप सुबह की चाय मत पीजिए, चाय आपकी लीवर को डैमेज करती है। सुबह आप गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुना पानी बहुत सारी बीमारी को ख़त्म करता है। हम लोगों को बताते हैं कि आप खाना खाने से एक घंटा पहले पानी पीजिए या फिर एक घंटे के बाद में पानी पीजिए, क्योंकि अगर आप तुरंत पानी पीते हैं तो ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे जलते हुए चूल्हे में आप पानी डाल दें और दोबारा से अगर आप उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जलेगा। ठीक ऐसे ही होता है, जब हम खाना खाने के वक्त अगर पानी पीते हैं तो वो खाना हमारे लीवर में जाने के बाद जो पचना चाहिए वो पच नहीं पाता है और वो सड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है। रात को खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। तो ऐसी सर बहुत सी जानकारियां हैं जो हेल्थ में आती हैं, लाइफस्टाइल के बारे में आती हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को मानने लगें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में 7 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं 7 तत्वों की कमी की वजह से कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी में आती है। तो आइए सर फाइल के माध्यम से जानते हैं, स्लाइड के माध्यम से बात करते हैं। थैंक यू।